हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में जिसमें हम आपको बाइक से रिलेटेड चीज़ें दिखाते सिखाते और समझाते हैं। तो आप इस वीडियो में क्या होने वाला है आपको दिखाते हैं। ये अपने पास रॉयल इनफील्ड की बुलेट खड़ी है, इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम आती है देख सकते हैं, ये ब्रेक पैडल जो ये देखिए ऐसे ऐसे हिलता है यहाँ से अपना इस पॉइंट से, ये देखिए हिलाने पर पूरा हिलता है। ये देखो ऊपर नीचे नहीं, ये साइडों की प्ले, ये देखिए साइडों की प्ले है यहाँ से। इसको हम सॉल्व करके दिखाने वाले हैं एकदम ही आसान तरीके से, जिससे आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ आएगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले इस 12 नंबर के बोल्ट को खोल लेना है, फिर बताता हूँ खोल कर क्या करना है। ये देखिए गाइस खुल गया, यहाँ पर लगा होता है और अपने इसमें होता है एक वार्शल, सॉरी गिर गई, एक ये वार्शल और ये 12 नंबर का बोल्ट, ये अपना कुछ इस कदर टाइट होता है, वार्शल में ऐसे लगा होता है बोल्ट, ठीक है गाइस। ये देखिए दूसरी तरफ पूरा प्लेन है और जिस तरफ बोल्ट जाता है उस तरफ देखिए क्या है। ये देखिए तो हमें कुछ नहीं करना, इस वार्शल को उल्टा करके लगाना है, इधर से हमने बोल्ट डालना है। ये देखिए ये सिंपल है, इस तरफ हमने बोल्ट डाला, ये देखिए, और ये जो कट लगा था जिसमें देखिए ये कर देना बाहर की तरफ, ये देखिए सिंपल यहाँ लगा देना है, सॉरी फिर से गिर गया। इसको हमें पानी से कस लेना पूरा, ये देखिए गाइस फुल टाइट हो गया। अब ये देखिए अपना, ये देखिए पूरा ब्रेक पैडल हिला, मतलब जो लगा रहे हैं पूरे ब्रेक पैडल पर, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। ये देखिए अपना ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है लेकिन हिल नहीं रहा है। देखो गाइस कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है या मज़ेदार लग रही है वीडियो, तो दोस्तों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।